गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आई एम गोइंग टू समराइज द लेसन फॉरगेटिंग। हियर वी विल रीड द वर्च्यू ऑफ फॉरगेटिंग। Sometimes we feel that forgetting is weak point of a man, but it is only because of his habit. We can overcome on it by changing our habits. So let's start the summary of the lesson forgetting that is written by Robert Lind. इसकी शुरुआत होती है रेल यात्रियों द्वारा खोए हुए सामान अब बिक्री के लिए लंदन के एक बड़े स्टेशन पर रखे हुए हैं और जिनकी सूची प्रकाशित हो चुकी है, और बहुत से व्यक्ति जिन्होंने यह सूची पढ़ी है अपने साथियों की विस्मृति या भुलक्कड़पन पर आश्चर्यचकित हैं। यदि इस विषय पर सांख्यिकी आंकड़ों का लेखा जोखा उपलब्ध हो, फिर भी मुझे संदेह है कि यह देखने में आएगा कि भुलक्कड़पन एक सामान्य आदत है। यह मानव की याददाश्त की कार्यकुशलता है, ना कि अकुशलता, जो मुझे आश्चर्य में डाल देती है। आधुनिक मनुष्य टेलीफोन के नंबरों को भी याद रख लेता है, उन्हें अपने मित्रों के पते भी याद रहते हैं, उसे शराब बनाने के लिए अंगूर को इकट्ठा करने के दिन भी याद हैं, उसे दोपहर व रात्रि के भोजन के निमंत्रण तिथियाँ भी याद हैं। उसकी स्मृति में अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, हत्यारों आदि के नाम भी याद हैं। वह आपको बता सकता है कि कई वर्ष पूर्व अगस्त के महीने में कैसा मौसम था, और उस देहाती होटल का नाम भी बता सकता है जहां उसने ग्रीष्म ऋतु में बहुत ही खराब भोजन किया था। उसके साधारण जीवन में पुनः उसे लगभग सभी चीज़ें याद आती हैं जिनको याद रखने की उसको उम्मीद की जाती है। लंदन में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो प्रातः वस्त्र पहनते हुए किसी वस्त्र को पहनना भूल जाएं? 100 में से शायद एक भी नहीं, शायद 10,000 में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो अपने वस्त्रों को नियमित ढंग से पहनना भूले। ऐसे कितने लोग हैं जो घर से बाहर जाते समय सामने का दरवाज़ा बंद करना भूल जाते हैं? शायद कोई भी नहीं होगा। और ऐसा पूरे दिन होता रहता है, सोने का समय आने तक लगभग प्रत्येक व्यक्ति ठीक समय पर ठीक वस्तु याद रख लेता है, तथा एक साधारण व्यक्ति सीढ़ियों में ऊपर चढ़ते समय अपने कमरे की बत्तियों को बुझाना भूल जाता है। यह मानना चाहिए कि ऐसे विषय में जिनके संबंध में याददाश्त अपनी सामान्य पूर्णतया से काम करती है, मैं सोचता हूँ कि केवल बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से काम करने वाला व्यक्ति ही अपने चिकित्सक द्वारा बताई गई दवाओं को सदैव याद रख लेता है, नियमित सही टाइम पर खाना याद रख लेता है। यह और अधिक आश्चर्यजनक है क्योंकि दवा उस मामूली वस्तु में से एक है जो याद रखी जा सकती है। नियमानुसार यह कहा जाता है कि दवा भोजन के पहले ली जाती है, भोजन के साथ ली जाती है, या भोजन के पश्चात ली जाती है, और भोजन स्वयं दवा को याद दिलाने का एक वस्तु होनी चाहिए। फिर भी यह एक तथ्य है कि नैतिक विभूतियों के अतिरिक्त बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो दवा को सही ढंग से सही समय पर खाना याद रखते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक हमें बताते हैं कि हम वस्तुओं को इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हम उनको भूलने की इच्छा रखते हैं, और यह भी हो सकता है कि बहुत से लोगों को गोलियाँ या काढ़ा लेने से घृणा होती है, जिसी कारण से वो निर्धारित समय पर उसको नहीं ले पाते हैं, भूल जाते हैं। फिर भी इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि मुझ जैसा दवाओं का जीवन पर्यंत भक्त, जिसको डॉक्टर ने जीवन पर्यंत दवा लेने के लिए कहा है, तब पर भी मैं इतना भुलक्कड़पन हूँ कि मैं दवा लेना भूल जाता हूँ, जैसा कि वे लोग जो सबसे अधिक अनिच्छा से उनको लेते हैं। एक नई और बहुत ही विज्ञापित दवा आने से मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, फिर भी चाहे दवा मेरी जेब में ही रखी रह जाए, जब जब दवा लेने का समय नज़दीक आता है मैं उसको भूल जाता हूँ।
दवा बेचने वाला उन दवाओं से अधिक पैसे कमाते हैं जिन्हें हम लोग अक्सर खाना भूल जाते हैं। मैं समझता हूँ कि भुलक्कड़पन एक सर्वसामान्य पत्रों को डाक में डालने के मामले में भी होता है, या इतना सामान्य है कि मुझे एक महत्वपूर्ण पत्र को मुझसे मिलकर जाते व्यक्ति को डाक में डालने के लिए देने पर विश्वास करने से हिचक होती है, संदेह होता है कि शायद मैं उसके पत्र को पत्र पेटिका में न डाल पाऊँ, भूल जाऊँ। उसकी स्मृति पर मुझे इतना कम विश्वास होता है कि पत्र उसे देने से पहले मैं उसे शपथ दिला देता हूँ। जहाँ तक मेरा अपना भी संबंध है, कोई भी व्यक्ति जो मुझे डाक में डालने के लिए पत्र देता है वह चरित्र को बहुत कम परखने वाला होगा। चाहे मैं पत्र हाथ में ही लेकर हूँ, फिर भी मैं सदैव पहले लेटर बॉक्स से आगे ही निकल जाता हूँ। तभी मुझे याद आता है कि मुझे पत्र डाक में डालना था। पत्र को हाथ में ले लिए थक कर सुरक्षा की दृष्टि से मैं उसे अपने जेब में रख लेता हूँ और उसके बारे में सब कुछ भूल जाता हूँ। इसके बाद जीवन बिना उतार चढ़ाव के चलता है, जब तक कि ऐसी परिस्थिति नहीं बन जाती है कि उससे उलझकर भरे प्रश्न नहीं किए गए हों। जब तक उस पत्र के बारे में मुझसे नहीं पूछा जाता है, तब तक मुझे याद ही नहीं रहता किसी ने मुझे पत्र दिया था पोस्ट करने के लिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति उस पत्र के बारे में चर्चा करता है, तब मुझे मेरे अपराध का ज्ञान होता है। यह माना जा सकता है कि ऐसा दूसरे लोगों के पत्रों में रुचि न होने के कारण होता है, परंतु यह स्पष्टीकरण सही नहीं है, क्योंकि मैं उन थोड़े से पत्रों को भी डालना भूल जाता हूँ जिनको मैंने स्वयं अपने हाथों से लिखा था। जहाँ तक रेलगाड़ियों और टैक्सियों में सामान छोड़े जाने की बात है, ऐसे मामलों में मैं बहुत बड़ा अपराधी नहीं हूँ। छड़ियाँ, पुस्तकें के सिवा लगभग मैं हर चीज़ को याद रख लेता हूँ, और प्रायः पुस्तकों को भी मैं अक्सर याद रख लेता हूँ। मुझे छड़ियों को याद रख पाना पूरी तरह से असंभव लगता है। उनके प्रति मेरी रुचि पुराने फैशन की है और मैं उनको प्रायः खरीदता रहता हूँ, परंतु मैं जो ही किसी मित्र के घर जाता हूँ अथवा रेलगाड़ी में यात्रा करने के लिए जाता हूँ, तब एक अन्य छड़ी खोए हुए वस्तुओं के संसार में पहुँच जाती है। खो जाने के डर से मैं छाता ले जाने का साहस भी नहीं करता हूँ। मजबूती से पकड़ कर रखने वाले किसी छातावाहक ने क्या कभी छाता ना खोने का ऐसा यश पाया है? शायद नहीं। फिर भी हम में से कुछ लोग अपनी विस्मृति या अपने भुलक्कड़पन के कारण अपनी बहुत सी संपत्ति को यात्रा के दौरान खो देते हैं, जबकि एक औसत इंसान अपनी पहुंचने के स्थान पर अर्थात अपने गंतव्य स्थान पर अपने सामान को सुरक्षित पहुंचा लेता है। वर्ष में रेलगाड़ियों में खोई हुई वस्तुओं की सूची बताती है कि वयस्क व्यक्तियों की अपेक्षा युवा व्यक्ति अपनी वस्तुएँ अधिक खोते हैं, और सामान्यतया गंभीर रहने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा खिलाड़ियों की याददाश्त बहुत ख़राब होती है। एग्जाम्पल के तौर पर काफ़ी अधिक संख्या में फुटबॉल की गेंदें, क्रिकेट के बल्ले इन खिलाड़ियों द्वारा खोए जाते हैं। यह कार्य लड़कों के लिए सरल होता है जो खेल से लौटते हुए अपने सामान को भूल जाते हैं, क्योंकि उनकी कल्पनाएँ खेल के मैदान में विचारों से भरी रहती हैं और उनके मस्तिष्क ऊँची कल्पनाओं से भरे होते हैं। कुछ खिलाड़ियों के मस्तिष्क अपनी हार के कारण और भय के कारण भरे हुए रहते हैं, और वे अपनी उपलब्धियों को अपनी भूल का परिणाम बताते हैं, और वे स्वयं को बाहरी संसार से अलग कर लेते हैं। जब खिलाड़ी रेलगाड़ियों से उतरते हैं, तब उनकी याददाश्त उनकी गेंद और बल्ले जैसे छोटे कार्यों को याद रखने से रोक देती है। शेष बचे हुए दिन में वे काल्पनिक संसार में विचरण करते रहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा ही मछली पकड़ने वालों के साथ भी होता है, जो मछली पकड़ने का अपना कांटा भूल जाते हैं। सामान्य रूप से मछली पकड़ने वालों के बारे में कहा जाता है कि वे सबसे अधिक भुलक्कड़पन में खोए हुए रहते हैं, सबसे अधिक कल्पना में खोए रहते हैं। और एक मछली पकड़ने वाला जो मछली पकड़ने के बाद अपने कार में भुलक्कड़पन को बताने के लिए विवश होता है, उसके द्वारा वास्तव में मछली पकड़ने के कांटे को भुला दिया जाता है, क्योंकि वह काल्पनिक संसार में सपनों में खोया रहता है। उसका भुलक्कड़पन उसके एक दिन के कार्य के बारे में एक बहुत बड़े आनंद के लिए
सम्मान की बात होती है। वह मछली पकड़ने के अपने कांटे को भूल जाता है, जैसे कि कभी एक पत्र को पोस्ट करना भूल जाता है, क्योंकि उसका मस्तिष्क अपनी वैभवशाली सामग्री से भरा हुआ होता है। वह अपने जीवन स्तर से उच्च स्तर की ओर सोच रहा होता है, जिस कारण से वह निम्न चीज़ों को भूल जाता है। इसलिए यह कोई अपराध नहीं है। मुझे इस प्रकार की भुलक्कड़पन एक प्रकार का अच्छा प्रभाव लगता है, अच्छा गुण प्रतीत होता है। भुलक्कड़पन वाला व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ ढंग से संवार रहा होता है, इसलिए उसके पास सामान्य कार्यों की याद रखने के लिए समय नहीं होता है। पत्र को डाक पेटिका में डालने के लिए कौन सुकरात या कॉलोराइज पर विश्वास करेगा? उनकी आत्मा इन वस्तुओं से ऊपर थी, अर्थात वे अपने दार्शनिक उच्च विचारों में डूबे रहते थे, इसलिए इन तुच्छ साधारण चीज़ों से उनका कोई संबंध नहीं था, जिस कारण से लोग उनसे कभी उम्मीद नहीं करेंगे कि वह हमारे पत्र को सही समय पर लेटर बॉक्स में डाल देंगे। इस प्रश्न पर कि क्या अच्छी याददाश्त का होना आवश्यक है, प्रायः वाद विवाद छिड़ता रहता है, और दोषपूर्ण स्मृति वाले व्यक्ति कभी कभी अपनी श्रेष्ठता मनवाने के प्रयास करते हैं। वे कहते हैं कि एक व्यक्ति जो पूर्ण रूप से स्मरण करने वाला यंत्र है, प्रथम श्रेणी की बुद्धि वाला व्यक्ति कभी नहीं होता। वे बच्चे या बड़ों के विविध दृष्टिकोणों का उल्लेख करते हैं, उनकी आश्चर्यजनक स्मृतियाँ थी और कहने को उनके कोई बुद्धि नहीं थी। फिर भी मैं सोचता हूँ कि कुल मिलाकर महान लेखक या महान संगीतकार विलक्षण स्मरण शक्ति वाले हुए हैं। जिन कवियों को मैं जानता हूँ, उनकी याददाश्त उन शेयर दलालों से कहीं अच्छी थी जिनसे मैं परिचित हूँ। वास्तव में स्मृति उनकी कला की आधी ही धरोहर है। इसके विपरीत ऐसा लगता है जैसे राजनेताओं में भुलक्कड़पन का तत्व अधिक होता है। जो राजनेताओं को एक ही घटना का स्मरण करने के उदाहरणार्थ करने के दो तरीके से बताते हैं, अर्थात इन्हीं दो घटनाओं को वो अपने अनुसार भिन्न भिन्न तरीके से बताते हैं, जैसे किसी मंत्रिमंडल की बैठक में क्या हुआ था, और उनमें से प्रत्येक आपको कहेगा कि दूसरे राजनेता की कहानी अत्यंत गलत है, या तो उसकी स्मृति छलनी जैसी है, या वह सच्चाई को तोड़ मरोड़कर दुस्साहसी बनता है, गलत प्रकार से अपने ढंग से उसको प्रस्तुत करता है। राजनेताओं की आत्मकथाएं भाषणों में तथ्यों को बार बार व सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर चुनौती देते हैं। यह इस पहलू को दर्शाता है कि संसार ने अभी तक आदर्श नेताओं को उत्पन्न करना प्रारंभ नहीं किया है। ऐसे व्यक्ति जिनमें महान कवियों के समान याददाश्त व बुद्धि कौशल दोनों ही तत्व मिले हों। साथ ही साथ सामान्य रूप से अच्छी याददाश्त इतनी औसत होती है कि हम एक व्यक्ति को जो इस प्रकार की बुद्धि को नहीं रखता है, सनकी या एसेंट्रिक कहते हैं। मैंने एक ऐसे पिता के बारे में सुना है जो एक बच्चा गाड़ी से अपने बच्चे को घुमाने के लिए जाता है। अपने भ्रमण के दौरान सूरज की धूप के कारण वह आगे निकल जाता है, शराब पीने के लिए मधुशाला में प्रवेश कर जाता है, और बच्चे को बच्चे गाड़ी के साथ रोड के किनारे पर ही खड़ी कर देता है। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी को कुछ खरीदारी करनी थी। वह उस शराब खाने के पास से गुजरती हैं जहां पर वह अपने सोते हुए बच्चे को रास्ते में किनारे पर बच्चा गाड़ी में लेटा हुआ देखकर भयभीत हो जाती है। अपने पति के व्यवहार पर क्रोधित होकर उसने उन्हें सबक सिखाने का निश्चय किया। अपने मन में कल्पना करते हुए जब वह बाहर आएगा और बच्चे को गायब देखेगा, वह बच्चा गाड़ी वहां से ले गई। यह सोच करके कि जब मेरे हस्बैंड उस बियर बार से बाहर निकलेंगे और बच्चे को नहीं पाएंगे, तो वो घबरा जाएंगे कि मेरा बच्चा चोरी हो गया। वह घर पहुंची यह सोचते हुए कि उनका पति घबराया हुआ चेहरा और कांपते हुए होंठों के साथ शीघ्र ही यह सूचना लेकर आएंगे कि हमारा बच्चा चोरी हो गया, या उनकी दशा का क्रोध के साथ आनंद उठाएंगी, उन्हें डांट लगाएंगी और
इंजॉय करेंगी। लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत निकली। जब दोपहर के खाने का समय हुआ तब पति खुशी से मुस्कुराते हुए आते हैं और पूछते हैं, मेरी प्रिय आज खाने में क्या बनाया है। बच्चे के विषय में वो बिल्कुल भूल गए थे कि वह अपने बच्चे को बाहर घुमाने के लिए ले गए थे। किसी दार्शनिक ने नीचे स्तर के कितने लोगों में इस प्रकार का भुलक्कड़पन होगा। मुझे आशंका है कि इसमें से अधिकांश लोग ऐसी ही कमजोर स्मरण शक्ति लेकर जन्म लेते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो किसी भी आधुनिक बड़े शहर में परिवार व्यवस्था सुचारू रूप से चल ही नहीं सकती। थैंक यू। तो गाइस, हमने पढ़ा कि कैसे भुलक्कड़पन कोई बुरी चीज़ नहीं है। भुलक्कड़पन ओनली एक हैबिट है। उस हैबिट को चेंज करके हम अपने भुलक्कड़पन को ठीक कर सकते हैं। भुलक्कड़पन एक प्रकार की बुरी आदत है। वास्तव में भुलक्कड़पन तभी उस चीज़ में आता है जब हमको उस पर केयर ना किया जाए। अर्थात हम जिन चीज़ों को भूलना चाहते हैं उन्हीं को भूल पाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं भूलना चाहते और हमसे नहीं भूलता है। तो हमें कोशिश करनी है हर चीज़ को स्मरण रखने के लिए, बार बार उसको विस्मृत करते रहना, बार बार उसको स्मरण करते रहना है। तो एक दिन ऐसा आएगा जो हमारे माइंड में सेट हो जाएगा और उसको हम कभी नहीं भूलेंगे। जैसे अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो हमारे ज़ुबान पर रखा हुआ है, उसको पढ़ते समय हमें सोचना नहीं पड़ता है, हमारे मुँह से अपने आप निकल आता है। हिंदी अल्फ़ाबेट्स की बात करें, स्वर व्यंजन की बात करें, ऐसे बहुत सी डिफिनीशंस हैं जो हमारे ज़ुबान पर रखी हुई हैं, हमें सोचना नहीं पड़ता है, हमें याद नहीं करना पड़ता। हमने बचपन में कभी उसको इतना कंठस्थ कर लिया था, इतना अच्छे से माइंड में सेट कर लिया था कि अब हमें उस पर सोचना नहीं पड़ता है। जब भी उस डिफिनीशंस की बात आती है फटाफट हमारे मुँह से निकल आता है। उसी प्रकार हमें अब अन्य चीज़ों को भी माइंड में सेट कर देना है तो हम इस भुलक्कड़पन के शिकार से बच सकते हैं। इसलिए रॉबर्ट लिन ने एक महत्वपूर्ण टॉपिक को चुना है एक्सप्लेन करने के लिए और हमारे सामने रिप्रेजेंट किया है कि हमको भुलक्कड़पन को लेकर अधिक परेशान नहीं होना है। भुलक्कड़पन का स्वभाव हर व्यक्ति के अंदर होता है और यही भुलक्कड़पन ही है जो आजकल मॉडर्न फैमिलीज को शहरों में स्थापित कर रखा है। इसलिए भुलक्कड़पन या फॉरगेटिंग इज़ अ वर्च्यू। थैंक यू।